आज मेरा नाम पिंकी रानी है और मैं अपने चैनल राजा की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आज मैं जो बनाने जा रही हूँ, ये छोटे बच्चों के लिए, बस हमारी भाषा में हमारी तरफ तो ये सब जैसे जवाबी बोलते हैं, कुछ समय भी बोलते हैं, पर हम लोग तो इसे जवाई बोलते हैं। और मैं छोटे बच्चे जो 7 या 6 माह से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए जो खाना बनाती हूँ, बना के उनका उन्हें खिलाना चाहिए जिससे उन्हें पोषण मिले, इसके लिए मैं ये सब बना रही हूँ। क्योंकि मेरा भी एक छोटा बच्चा है जो 8 महीने का है, 8 महीने का है, तो उसके लिए मैं ये बनाती रहती हूँ, उसे खिलाती रहती हूँ ताकि उसे सारे पोषण तक मिले और उसकी बोन जो है मजबूत रहें, दिमाग से तेज रहे। तो इसलिए बस ये सब मैं बना के खिलाती हूँ, मूंग की दाल है या फिर खिचड़ी है, ये थोड़े बहुत फल हैं जो उसके लिए अच्छे होने चाहिए, तो उसके लिए तो वो भी खिलाती हूँ मैं। तो यही फ्रेंड्स, बस मैं बनाने जा रही हूँ और मैंने सोचा ये पहली ब्लॉग है मेरा, तो मैं कुछ मीठा से ही शुरुआत कर दूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं ये थोड़े से जब ये रखे थे तो मैं लाऊ अपने बच्चे की लाओ का। फिर आज मैंने इसको बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा घी डालेंगे, देसी घी, इससे बच्चों की बोन्स मजबूत होती हैं। देसी घी से हम सब बड़ों के लिए भी खाना चाहिए, देसी घी लेना चाहिए खाने में, चाहे थोड़ा ही बहुत लें डेली। तो ये थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें, अब इसको मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी, इससे यह है कि बच्चों को थोड़ा टेस्टी लगेगा और खाना जो खाने में उनका टेस्ट बढ़ जाएगा तो वो अच्छे से खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, में ये थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको फ्राई कर लेंगे, बस 5-10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी देर इसे फ्राई कर दिया, अभी ब्राउन हो गए, अब ब्राउन हो गए तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि हम इसमें दूध डाल सकें। तो इसको फ्राई करके हम दूध डालेंगे, दूध में थोड़ी ड्राई फ्रूट जो है आपके घर में, मैंने जो मेरे घर में जो कोई बच्चे ले लिए हैं और उन्हीं को डालेंगे। और इसमें फ्रेंड्स बताती हूँ कि मेरे क्या क्या ड्राई फ्रूट है मेरे पास, तो मैंने तो आप वो भी ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है, बोन होती है, अगर मजबूत होती है तो आगे बढ़ सकता है और उसका दिमाग तेज रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम दूध डाल लेंगे, इसमें एक गिलास दूध डाल देंगे और इसको थोड़ी देर उबलने देंगे। और जो ड्राई फ्रूट थे मेरे पास, जो घर में मेरे थे, वो फ्रेंड्स मैंने डाल लिए हैं इसमें। ये है मूंगफली और 4 ही किशमिश ले लिए और ये 5 बादाम ले लिए, क्योंकि ये जो प्रोटीन मूंगफली होती है इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जो बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है, छोटे बच्चों के लिए तो खासी ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। और ये है किशमिश, इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है और ये भी दिमाग के लिए अच्छा होता है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दूँगी ताकि, और थोड़ी देर उसे उबलने दूँगी, इसमें थोड़ा इसे इसमें जाएगा, फिर ये थोड़ी मेल्ट हो जाएंगे, फिर उसमें ये जबर डाल दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, बस यही 3 चीज़ें डाल रही हूँ और उसको मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर ये सब आपको ठीक लगा मेरा बना हुआ तो आप प्लीज़ शेयर करना और कमेंट करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर देना आप, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है तो मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ, पता नहीं सही जाएगा क्या है क्या नहीं करके, तो आप प्लीज़ मदद करना। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ये कुछ मैंने डाला था 1 गिलास तक, ये थोड़ा बोल हो गया, उबल गया है, तो अभी इसमें हम थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट थे जो मैंने पहले कूटे नहीं थे, मतलब थोड़े महीन महीन नहीं किए थे, अब मैंने ये कर लिया, क्योंकि छोटे बच्चे को खाने में दिक्कत होती है, इस वजह से इसको थोड़ा कूट लिया है। अभी हम इसमें दूध में डाल देंगे तो इससे इसमें मैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और बच्चों को खाने में आसानी हो जाएगी, थोड़ा टेस्ट इसका बढ़ भी जाएगा, इससे भी बच्चा हमारा सही से खा लेगा। तो इसलिए मैंने ये कूट लिए थे थोड़े से और कूट के ही इसमें डाल रही हूँ ताकि मिक्स सही से हो जाए इसमें। और फिर से चीनी है जो डाल रही हूँ इसमें, वैसे तो स्वाद अनुसार ही डालनी चाहिए बच्चों को जैसा स्वाद लगे, पर जो है मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो भी ईयर का है तो वो भी खा लेता है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल देती हूँ ताकि वो भी ठीक से खा सके। तो इसलिए इसमें फ्रेंड्स मैं बस ये चीनी डाल रही होती और इसको थोड़ी सी देर देंगे ताकि थोड़ा और सही हो जाए, फिर वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक हुआ है नहीं, ये थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा मेल्ट हो गया है,
और मैं इसमें ये जवा रखते हैं, मैंने थोड़े ब्राउन करके भूने थे मैंने, इसलिए कि बच्चे को ठीक लगे, तो ये हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स इसमें बादाम की मात्रा मैंने इसमें कुछ ज़्यादा इसलिए डाल दी है कि बच्चे के लिए बादाम एक अमृत जैसा फायदा देते हैं, उसके क्योंकि बादाम से बच्चे की बोन्स मजबूत रहती है, शरीर में एनर्जी ताकत आती है और आँखों की रोशनी बढ़ती है। फ्रेंड्स ठंडों में जाड़ों के समय अगर बादाम बच्चे को दे दिया जाए तो बच्चे को सभी ज़्यादा सुन नहीं पड़ती, छोटे बच्चों को भी सबसे ज़्यादा ही लाभकारी होती है बादाम, तो इस कारण ही मैं बादाम का मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि मेरे बच्चे को 8 महीने का है तो उसको सर्दी जैसी हो गई है, थोड़ी शायद मौसम चेंज भी हो रहा है, इस वजह से भी थोड़ा सर्दी हो गया उसे, तो मैंने इसलिए थोड़े बादाम ज़्यादा डाल दिए ताकि उसे 2-3 टाइम दे दूँगी, उसे खिला दूँगी तो उससे जो है कि थोड़ा ठीक हो जाए, और उसके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, और फिर 6 माह से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाने ही लगते हैं, हर माह खिलाती है ताकि हमारा बच्चा ठीक हो और स्वस्थ रहे, तो इसलिए मैं ये सब इम्प्लीमेंट कर दिया है। और मूंगफली भी थोड़ी थी मेरे पास तो वो भी डाल दी मैंने, कहा कि चलो ये भी प्रोटीन है काम करेंगे, ये भी बच्चे के लिए फायदेमंद है, सो मैंने फिर इसमें ये सब मिक्स कर दिया है। और आपको देख लीजिए ये जो भी डाला है मैंने और आपको जानकारी दी है ठीक है, मैं जो है आप अपने बच्चे को भी देती हूँ, आप फ्रेंड्स आप भी देखना करके ये सब देना, उससे आपको बच्चे को फ़ायदा होगा, और फ्रेंड्स वो भी अगर मुझसे गलती हो गई उसके लिए पहले से सॉरी बोल रही हूँ आपको, और मेरी जो वीडियो है उसको लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स ये एक ज़रूरी विशेष बात है कि कमेंट जरूर करना, अगर कुछ भी गलत हुआ तो आप बताना मुझे मेरी वीडियो में, ताकि मैं उसको आगे आने वाले समय में ठीक कर पाऊँ और उसको सही कर पाऊँ, और सही से आपको साथ जो हुई है ब्लॉग बनाऊँ उसको शेयर कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं पहली बार बनाने, आपको बताया मैंने पहली बार बना ली तो थोड़ी नर्वस तो हूँ मैं, इसलिए जो भी गलती हो जाएगी, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है, तो मुझसे भी हो जाती है, होंगी हो जाएंगी, और शायद उसमें भी हुई होगी मुझे पता नहीं, मैं सुन रही हूँ अपने आप को। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करना मेरी वीडियो को, पहली है तो, और अपने यूट्यूब फैमिली में वो ज्वाइन करना प्लीज़, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करना साथ में, और बताना मुझे कि आपको मेरी वीडियो ठीक लगी या नहीं, ताकि मैं आगे से और भी स्वर हो जाऊँगा और अपने थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाऊँगा, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए डालूँ। फ्रेंड्स ये लगभग थोड़ी है बस, थोड़ा सा और रख देते हैं गैस पे, थोड़ा और ठीक हो जाए पतला पतला, ही सही खिलाना चाहिए बच्चों को, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि ये दूध से गैस भी बना देता है ज़्यादा, बच्चों को खिलाओ कि इसमें वो है ये मैदे का है बना हुआ, तो इससे भी थोड़ा बच्चे, कुछ बच्चे ऑब्जर्व कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते, मेरा बच्चा भी थोड़ा ऐसा ही है, तो इसलिए मैं थोड़ी इसको पतला ही रखूँगी फिलहाल, थोड़ी देर 5 मिनट को और इसको रख देते हैं, और फिर उसके बाद में ये ठीक ठाक से बन जाएगा। फ्रेंड्स ये मैंने देखा ये सब ठीक हो चुका है, और ये मैंने कहा था आप थोड़ा पतला पतला रखूँगी अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि मेरे दोनों बेटे जो हैं, बड़ा वाला है जो 8 साल का है, 8 वर्ष का, तो उसको भी ये पतले ही पतले पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने ये पतले पतले बनाए हैं, और छोटे बच्चों को तो वैसे ही पतले पतले ही खिलाना चाहिए, ताकि पेट में जाकर कोई और ज़्यादा इन्फेक्ट या फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाऊँ, तो इस वजह से मैंने पतले पतले रखे, और इनको मैं अब निकाल के इस कटोरी में डाल रही हूँ ताकि बच्चों को दे पाऊँ, क्योंकि दोनों को जब से पता चला है कि मम्मी ये चीज़ बना रही हैं तब से, ये बड़ा वाला तो बार बार आ रहा है मैं बनने क्या तैयार हुए मुझे दो, तो इसलिए ये बन गए हैं तैयार हो गए, अब इस बच्चों को हम दोनों को दे दूँगी, तो मैं तो खुद ही खिलाऊँगी, बड़ा वाला खुद ही खा लेगा। और फ्रेंड्स अगर कुछ भी इसमें मिस्टेक या गलती दिखाई हो, देती हो आपको दी हो, तो कमेंट ज़रूर करना, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मैं आगे थोड़ी बढ़ सकूँ, आपका ही सपोर्ट चाहिए मुझे, सो प्लीज़ ये देखो फ्रेंड्स शेयर करो और लाइक करना।